हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.2 में, उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। इसके लिए हम इनवर्स को पुट कर लेंगे, लेट कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। थीटा किस में है? थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू है ऑफ कोस इनवर्स 4/5। थीटा किस में होना चाहिए? रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोस इनवर्स एक्स के अंदर होना चाहिए। वो क्या होती है? 0 से लेकर पाई, जब ये इनवर्स बना है, इसके अंदर है तो 1 1 1 2 आया, इनवर्स बनाया है। अब हम इस इनवर्स को हटा सकते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा की? यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। इनवर्स इधर चला गया, जैसे आप इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स हो तो हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। यहां पर थीटा रखेंगे तो क्या बने क्वेश्चन? साइन थीटा बाई टू ये वैल्यू रखने के बाद, और कोस थीटा क्या है यहां पर? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में और सेकंड में। पॉजिटिव है तो हम ये कहेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा बाई टू की वैल्यू फॉर्मूले से क्या होगी? रूट 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, प्लस माइनस होगी लेकिन हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी क्या रहेगा? वो 0 से पाई बाई 2 है, उसको 2 से डिवाइड कर दें तो भी वो क्या रहेगा? फर्स्ट में ही रहेगा, और फर्स्ट में साइन की कैसी वैल्यू आती हैं? पॉजिटिव। यहाँ पर मैं कोस थीटा की वैल्यू पुट करूँगा, कोस थीटा की वैल्यू है 4/5 / 2। एलसीएम लेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पर 5 − 4 ये वैल्यू आ गई 1/10, तो ये वैल्यू आ गई 1/√10, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का नेक्स्ट पार्ट, सेवंथ पार्ट। साइन पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो इसमें हम साइन इनवर्स माइनस √3/2 को पुट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस √3/2 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो थीटा किससे बिलोंग करेगा? थीटा बिलोंग करेगा माइनस π/2 से π/2, क्योंकि फंक्शन 1 1 1 2 इसी पर बनता है। इसको हमने क्या कहा था? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज। अब यहां से इनवर्स हटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। अब ये वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिखेंगे? माइनस, साइन की वैल्यू कहाँ होती है? 60 डिग्री पर, तो साइन π/3, और हमें पता है ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। तो यहाँ पर दो क्वाड्रेंट, एक तो फर्स्ट और एक फोर्थ, तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? साइन −π/3, क्योंकि साइन −π/3 है वो क्या बनता है? −sin π/3। तो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास −π/3। इस थीटा की वैल्यू को हम स्टार्टिंग में जो लेके चले थे उसमें पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा? साइन π/2 माइनस थीटा, ये हमारे पास बन गया साइन π/2 माइनस माइनस π/3 साइन π/2 प्लस π/3,
साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस पाई बाई थ्री हो जाएगा, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसका, कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू के लिए इसको थीटा मान लें, इसको फाइव मान लें। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू फाइव, लेट कर लिया हूँ। अब थीटा किस में होना चाहिए, इसकी रेंज और जो है साइन इनवर्स की उसमें होना चाहिए, और वो क्या बता रखी हमने, -π/2 से π/2, इसमें भी साइन इनवर्स ही है, तो फाई किस में होगा, -π/2 से π/2 में होगा। अब यहाँ पर हम इनवर्स हटाएंगे तो वैल्यू आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और यहाँ पर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फोर्थ में है। साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट में, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये वैल्यू। यहाँ पर क्या बन गया क्वेश्चन, इसको इनवर्स हटाएंगे तो क्या बनेगा, साइन फाई इज इक्वल टू पाई बाई थर्टीन, 5/13। ये दोनों वैल्यू मैं रखता हूँ, क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस फाई, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, और इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोस ए प्लस बी वाला, कोस ए कोस बी से क्या लिखा जाएगा, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। अब यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू आ गई, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस थीटा और कोस फाई की वैल्यू और चाहिए। कोस थीटा की वैल्यू इससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, √1 - sin² थीटा, और बाहर कैसा साइन होगा, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 - 3/5 का स्क्वेयर, ये आ जाएगी 1 - 9/25। सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/25, और ये वैल्यू आ गई 4/5, कोस थीटा की आ गई। इसी तरीके से हम कोस फाई की निकाल सकते हैं वैल्यू, क्योंकि इसकी ज़रूरत रहेगी। कोस फाई किससे आएगा, साइन फाई से, 1 - sin² फाई, साइन फाई की वैल्यू है 5/13 का स्क्वेयर हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास 1 - 25/169। एलसीएम लेंगे तो ये बन गया 169 - 25, ये बन गया 144/169, इसकी वैल्यू आ गई 12/13। तो ये कोस फाई की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की आ गई, साइन फाई की आ गई, इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा प्लस फाई की, कोस थीटा की वैल्यू है 4/5, कोस फाई की वैल्यू है 12/13, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, और साइन फाई की वैल्यू है 5/13। एलसीएम ले लेंगे, 65 आएगा, 48 और -15, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, 33/65 आंसर आ गया। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 9th पार्ट है इसमें, कोस साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3। तो इसमें पहले वाले को थीटा मान लेंगे और दूसरे वाले को फाई मान लेंगे, तो साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू थीटा और सीकेंट इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू फाई। थीटा किस में बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2,
क्योंकि हमने पढ़ा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रख के हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें फंक्शन क्या बनता है, वन वन और ओन टू, जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फाई किस में बिलोंग करेगा, सीकेंट का क्या होता है, फाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई, और इसमें पाई बाई टू नहीं होता। बस यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा की आ जाएगी 1/4, और सीकेंट फाई की वैल्यू आ जाएगी 4/3, इनवर्स हटेगा तो। अब यहां पर साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें जो रेंज है वो हमारी -π/2 से π/2 है, तो -π/2 से 0 तक तो फोर्थ हो गया, जिसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, तो फर्स्ट में है। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, तो कौन से, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट में रहेगा फाई भी, फाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे हम कोस फाई निकाल सकते हैं, कोस फाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/4, और इससे हम कोस थीटा निकाल सकते हैं, कोस थीटा, और इससे क्या निकाल सकते हैं, साइन फाई निकाल सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो उसी तरीके से करना है, कोस थीटा प्लस फाई क्या वैल्यू होगी, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ऐसे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो उसी तरीके से क्वेश्चन है जो हमने पिछला पढ़ा है। लास्ट क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज में है, 10th पार्ट है। साइन 2 tan inverse 1/4 प्लस कोस 10 inverse 2√2, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। यहां पर जो इनवर्स है उसको पुट कर लेंगे, तो पहले पुट करेंगे लेट 10 inverse 1/4 = थीटा, 10 inverse 2√2 = φ, लेट कर लिया ये हमने दोनों। थीटा किस में बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी फाई किससे बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और टेन फाई की वैल्यू आ जाएगी 2√2। टेन फाई की वैल्यू आ गई 2√2, इनवर्स हटाया तो इधर लेके 10π = 2√2। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या बन रहा है, साइन 2 थीटा बन रहा है, मीन्स हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, जबकि हम जानते किसकी वैल्यू है, टेंजेंट थीटा की। यहाँ पर थीटा किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 से π/2 होगा, ये थीटा, थीटा 0 से π/2 है मान लो, तो 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक होगा, π/π तक हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे हम इसकी, टेन थीटा की जो है वो। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा, टेंजेंट के अंदर याद रखेंगे फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा, ये हमने 11th में पढ़ा है। 2 tan थीटा की वैल्यू होगी 1/4, 1 plus 1/4 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 2/4, और एलसीएम लेंगे तो 16, 16 plus 1, सिंप्लीफाई करेंगे 2/4, 17/16, और चार संख्या रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला आ जाएगा, ये आ गया हमारा 8/17। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई 8/17। अब सेकंड की फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, टेंजेंट फाई की वैल्यू है 2√2, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, कोस फाई की चाहिए। कोस फाई की वैल्यू लाने के लिए टेंजेंट और सीकेंट में रिलेशन होता है, और सीकेंट का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोस होता है। तो पहले मैं सीकेंट फाई की वैल्यू निकालूंगा, फाई जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सीकेंट फाई की वैल्यू होगी √1 plus tan square φ, तो 1 plus 2√2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 8 plus 1 9 का रूट क्या आ गया, 3। तो यहां से कोस फाई की वैल्यू आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3, कोस फाई की वैल्यू आ गई 1/3।
अब जो हमारा क्वेश्चन था उसमें पुट कर देंगे वैल्यू साइन टू थीटा प्लस कोस फाई। साइन टू थीटा की वैल्यू है 8/17 और कोस फाई की वैल्यू है 1/3। एलसीएम लेंगे 51 आएगा, ये 24 हो जाए प्लस 17, ये वैल्यू आ जाएगी 41/51। ये आंसर आ गया भाई हमारे पास। इस तरह से करेंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हम सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन की, उसमें इनका यूज होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर काम कर रहे हैं बस। जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से हम क्वेश्चंस को करेंगे उसको कंसिडर करके। तो इसमें जो जब ये कैंसिल होगा इनवर्स से, ये साइन साइन इनवर्स से साइन जब ये कैंसिल होगा, जब एक्स किस में बिलोंग करता हो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है -π/2 से π/2 उसकी रेंज में हो जब ये कैंसिल करेगा। इसी तरीके से सेकंड है कोस इनवर्स कोस एक्स, ये भी कैंसिल जब ही करेंगे जब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, नहीं तो कैंसिल नहीं करेंगे। टेन इनवर्स सारे कैंसिल करेंगे इसी तरीके से, टेन इनवर्स टेन एक्स ये भी एक्स आ जाएगा, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। इसकी क्या पढ़ी हमने रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। नेक्स्ट है फोर्थ कोट इनवर्स कोट एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा जब एक्स किस में बिलोंग करता हो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा लेकिन एक्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी होती है 0 से π और -π/2, एक नहीं वो वैल्यू होती है एक्स की π/2। नेक्स्ट लास्ट है कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स, इसमें भी एक्स कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा और एक्स किससे बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। ये सभी वो हमने पढ़ी हुई है। तो ये एक्स की वैल्यू अगर इनके अंदर है जब ही कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इन्हें हम बोलते हैं जिनकी क्या है रेंज है इनवर्स की, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ये इनवर्स से जब ही कैंसिल होगा, इसका प्रूफ भी करके दिखा देते हैं हम फर्स्ट वाले का। जैसे लेट कर ले हम, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, लेकिन एक्स की वैल्यू किस में होनी चाहिए, -π/2 से π/2। अब हम इसके अंदर है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो इसका इनवर्स बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फंक्शन क्या बन गया 1 1 और ऑन 2, तो इनवर्स बनाएंगे। तो कैसे लिखते हैं इनवर्स को, हम ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स थीटा। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो एक्स की वैल्यू निकाल दें हम कभी भी, एक्स इज इक्वल टू क्या कहते हैं एफ इनवर्स वाई, तो यहां पर फंक्शन का काम कौन कर रहा है साइन, तो इधर आकर क्या बन जाएगा साइन इनवर्स थीटा। अब इसमें मैं थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं, क्या बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई। हमें याद रखने की बाहर इनवर्स है अंदर वो फंक्शन है, और एक्स अगर उसकी रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो हम उसको डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। ये प्रॉपर्टी होगी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के लिए, इसको याद रखेंगे इसी तरीके से कोस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 है प्रॉपर्टी, एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे साइन इनवर्स एक्स और 1/sin x बोथ आर नॉट सेम मीनिंग। 1/sin x हैव नॉट सेम मीनिंग। कभी हम ये सोच लें कि साइन इनवर्स का मीनिंग क्या है, साइन इनवर्स एक्स का 1/sin x ऐसा नहीं होता,
both have different meaning. Means sine inverse x is not equal to sine x का inverse. ये नहीं होता, ध्यान रखेंगे इस चीज का. सेकेंड प्रॉपर्टी है, साइन भार हो और अंदर इन्वर्स हो तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वो एक्स किस में होना चाहिए, उसकी डोमेन में होना चाहिए. जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमने बता रखी है, यहाँ पर इन्वर्स लग रहा है पहले, तो एक्स किस में होना चाहिए, -1 से 1 पर, डोमेन में होना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में. इसी तरीके से सेकेंड के लिए भी कोस कोस इन्वर्स है एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1 में करना चाहिए. इसी तरीके से टेंजेंट से टेन इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में. इसी